चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है रायसेन संवाद 2021 जो हाल ही में हो रहा है। आज के हमारे विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, रायसेन संवाद 2021 में क्या क्या मुख्य बातें हैं और ये संवाद है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, इत्यादि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रायसेन संवाद 2021 का उद्घाटन किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से रायसेन वार्ता का 6वां संस्करण ऑनलाइन हुआ है, यानी कि इसका संस्करण वर्चुअल ये हो रहा है और ये 13 से 16 अप्रैल 2021 तक हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि ये संवाद 2021 में क्या क्या खास बातें हैं। रायसेन संवाद में इस बार कुल 50 सत्र होंगे और इसमें 50 देशों के 150 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, स्पीकर के रूप में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है और विश्व के कई नेता और उच्चाधिकारी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार रवांडा के राष्ट्रपति पोल कंगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्स रायसेन संवाद 2021 के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा विभिन्न देशों के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान और अन्य देश शामिल हैं। इस बार जो ये रायसेन संवाद हो रहा है उसकी थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसकी थीम है। और इस बार की जो ये संवाद है इसमें विश्व में होने वाली तमाम महामारियों पर बात की जाएगी, जिसमें कोविड मुख्य है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि रायसीना डायलॉग आखिर है क्या और ये क्यों शुरू किया गया, इत्यादि चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है जो कि 2016 से लेकर अब तक लगातार हर वर्ष हो रहा है। इसका आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय और ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 2016 में किया गया था और यह एक बहुहितधारक यानी कि सभी के हितों का ध्यान रखने वाला और क्रॉस सेक्टरल बैठक है, यानी कि सब सेक्टरों की आपस में एक दूसरे के समन्वय के लिए ये बैठक की जाती है। इसके अलावा इसमें नीति निर्माताओं, निर्णयकर्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों, उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि एक मंच पर आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए इसको इस रायसीना संवाद ये है और जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है उनमें शामिल है कि इसका प्रमुख उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ साथ बाकी विश्व के साथ एशिया के बेहतरीन समन्वय को बनाने की कोशिशें करना है और उसके लिए बेहतर से बेहतर नीति के सुझाव देना और आइडियाज़ देना भी इसमें शामिल है, ताकि इससे रिलेटेड सारी संभावनाओं और अवसरों को तलाश किया जा सके। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो कि वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रतिवर्ष एक साथ लाया जाता है, ताकि वो बेहतरीन से बेहतरीन काम एशिया और बाकी विश्व के साथ समन्वय के लिए कर सके। अब हम देख लेते हैं कि रायसीना संवाद का नाम रायसीना संवाद क्यों पड़ा। रायसीना पहाड़ी का नाम है और इसी पहाड़ी पर भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास भी है और उनका ऑफिस भी है। इसके अलावा रायसीना पहाड़ी पर संसद भवन भी है, इंडिया गेट भी है, विदेश मंत्रालय का ऑफिस भी है और राजपथ भी यहीं पर स्थित है। इसी वजह से इसका नाम रायसीना संवाद पड़ा और यह सिंगापुर के शांग्रीला संवाद से प्रेरित संवाद सम्मेलन है, इस सम्मेलन से ही प्रेरित है। अब हम देख लेते हैं कि जो
इस संवाद को ऑर्गेनाइज करवाता है उसमें एक तो विदेश मंत्रालय है, दूसरा ORF है। ORF के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली भारत में स्थित एक स्वतंत्र वैश्विक थिंक टैंक है और इस फाउंडेशन के मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी 3 केंद्र हैं। ORF भारत सरकार में नीति और निर्णय लेने वालों और भारत के राजनीतिक और व्यवसायिक समुदाय में संभावित व्यवहार्य इनपुट प्रदान करता है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ नीतियाँ बनती हैं और जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं उन सबको इनपुट प्रदान करने का ये काम करता है, जो कि एक थिंक टैंक प्रोग्राम है। इसके अलावा हम बात अगर करें ORF की, तो ORF ने 1990 के सुधारों के मद्देनज़र अर्थव्यवस्था के आंतरिक मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से अपनी शुरुआत की थी, यानी कि इसका मूल उद्देश्य आर्थिक सुधार ही था। बाद में इसमें जनादेश की सुरक्षा और रणनीति, शासन, पर्यावरण, ऊर्जा संसाधनों का अच्छे से उपयोग, अर्थव्यवस्था और विकास आदि सभी विषयों पर तक इसका जो है फैलाव हो गया। अब हम देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, रायसीना संवाद 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह रायसीना संवाद का 6 संस्करण है। कथन दो, इस वर्ष रायसीना संवाद की थीम वायरल वर्ड, आउटब्रेक, आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, केवल एक, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो था 2018 से 2020 के बीच में नक्सलाइट वारदातें सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, किस राज्य में हुई, ये बताना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।